हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी जे 2000 में पूछी गई थी, वो प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए। 13 साल का एक लड़के ने जो कि कक्षा 9 में पढ़ रहा था, कक्षा का अनुशासन भंग किया। अध्यापक के द्वारा चेतावनी देने पर भी नहीं माना। अध्यापक ने बेतों की सजा दी। बेतों की सजा देते समय उसने अपना हाथ हटा लिया, जिससे कि अध्यापक का बेत दूसरे लड़के के ऊपर पड़ गया। वह स्थायी रूप से एक आंख का अंधा हो गया। यहाँ पे अध्यापक ने का दायित्व तो बताइए। उत्तर देखिए, प्रस्तुत समस्या 80 जो धारा 80 है से संबंधित है। 80 विधिपूर्ण कार्य करने में हुई दुर्घटना के बचाव का उबंध कर दिया है। 80 क्या कहती है, विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके संबंध में वो बंद करती है। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी अपराधी के आशय या ज्ञान के बिना। तीसरा, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ। चौथा, विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाए। क्या कह रहा है कि 80 के अंतर्गत क्या आवश्यकता है, तो वह कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो जाती है, बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के होता है, उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के बाद भी हो जाती है, विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाए। वहां दुर्घटना का अर्थ है सामान्य विवेक से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी कल्पना न कर सके या उसके विरुद्ध हम अपनी सुरक्षा न कर सके। दुर्घटना का अर्थ कह रहा है कि कोई सामान्य विवेक से परे कोई अप्रत्याशित घटना जिसकी हम कल्पना न कर सके या जिसके विरुद्ध हम सुरक्षा अपनी सुरक्षा भी न कर सके। स्टीफन ने कहा कि कोई प्रभाव दुर्घटना कहा जाता है जबकि कार्य जिसके द्वारा वह कारित होता है उसे कारित न करने के आशय से किया जाता है। मतलब कह रहा है कि कोई प्रभाव दुर्घटना कहा जाता है जबकि कार्य जिसके द्वारा कारित होता है कारित न करने के आशय से किया जाता है, और जब उस कार्य के निष्कर्ष स्वरूप उसका घटित होना इतना संभव नहीं है कि एक सामान्य विवेक क्या व्यक्ति उन परिस्थितियों के जिसके अंतर्गत तो उसे किया गया है के विरुद्ध उचित सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या कह रहे हैं स्टीफन महोदय कि कोई प्रभाव दुर्घटना होता है, कार्य जिसके द्वारा कारित किया जाता है उसे न करने के आशय से किया जाता है, और उस कार्य के निष्कर्ष स्वरूप उसका घटित होना इतना संभव नहीं है कि समान विवेक का व्यक्ति उन परिस्थितियों में जिसके अंतर्गत हुआ है उसके विरुद्ध उचित सतर्कता बरतनी चाहिए। आइए देखे प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या में 13 साल का लड़का जो कि कक्षा 9 में पढ़ रहा था, कक्षा का अनुशासन भंग करता है। अध्यापक के द्वारा चेतावनी देने पर भी वह नहीं माना। अध्यापक ने उसे बेतों की सजा दी। बेतों को मारते समय लड़के ने अपना हाथ हटा लिया और अध्यापक का बेत बगल वाले दूसरे लड़के के पड़ गया। बेत से लगी चोट के परिणाम स्वरूप वह लड़का अस्थायी रूप से एक आंख का अंधा हो गया। कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में अध्यापक द्वारा अनुशासन भंग करने वाले बच्चे को सुधारने के लिए बेत की सजा दी गई, अर्थात अध्यापक द्वारा जहां यह विधिपूर्ण कार्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया जा रहा था और उस अध्यापक के बिना किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के साथ उचित सतर्कता और सावधानी से कार्य किया, किंतु लड़के द्वारा हाथ हटाने के कारण किसी अन्य बच्चे को आंख में चोट आ गई जिसके परिणाम स्वरूप वह स्थायी रूप से अंधा हो गया। यहाँ अध्यापक द्वारा यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि यदि बच्चे ने हाथ हटा लिया तो बेत दूसरे बच्चे के आंख में लग जाएगी, जिसके परिणाम यह होगा कि वह शुद्ध रूप से दुर्घटना का मामला बनता है। प्रस्तुत मामले में अध्यापक को धारा 80 का बचाव मिलेगा और यह दुर्घटना के अंतर्गत कोई अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।